नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद कजन्स में। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू ज्योमेट्री एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 2। इन फिगर 8.13 ये फिगर दे रखा है 8.13, फाइंड 10p माइनस कोटार। हमें 10p माइनस कोटार की वैल्यू निकालनी है। तो ये फिगर दे रखा है, इसके अंदर ये हो गया हमारा हाइपोटेनियस पी आर 13 सेंटीमीटर, परपेंडिकुलर दे रखा हमारा 12 सेंटीमीटर, और बेस हमें नहीं दे रखा। तो ये अपन बेस फाइंड करेंगे। यहाँ पे अपन 90 डिग्री है, यहाँ पे 90 डिग्री है, तो ये बेस फाइंड करेंगे हाइपोटेनियस पाइथागोरस थ्योरम से। हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनियस हो गया इसमें हमारा पी आर स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर हो गया हमारा पी क्यू स्क्वायर प्लस बेस हो गया हमारा क्यू आर, जो कि आर स्क्वायर। पी आर है हमारा 12 13 सेंटीमीटर, पी क्यू हमारा 12 सेंटीमीटर, और क्यू आर हमें देने का, हमें फाइंड करना है क्यू आर। 13 का स्क्वायर होता है 169 इक्वल्स टू 12 का स्क्वायर होता है 144 प्लस क्यू आर देर नहीं रखा, क्यू आर फाइंड करना है। ये 144 इधर चल जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, -144 इक्वल्स टू क्यू आर स्क्वायर। ये माइनस होने के बाद आएगा 25 क्यू आर स्क्वायर, ये स्क्वायर है तो स्क्वायर इधर चल जाएगा तो ये रूट के फॉर्म में आ जाएगा, अंडर रूट 25 आ जाएगा। इसको अंडर रूट 25 की वैल्यू होती है 5, 5 का स्क्वायर होता है 25, तो अपन यहाँ पे 5 लिख सकते हैं। तो क्यू आर की वैल्यू आ गई हमारे पास 5 सेंटीमीटर। अब हमें फाइंड करना है 10p और कोट आर। तो पहले हम 10p फाइंड कर लेते हैं। 10p का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। तो यहाँ पे हम 10p ले रखे हैं, तो p के हिसाब से ये तो हो जाएगा हमारा बेस और ये हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर। मतलब जो अल्फाबेट होता है उसके पास वाला वो हमारा बेस हो जाता है और बाकी दूसरा वाला परपेंडिकुलर हो जाता है, और हाइपोटेनियस वो का वो रहता है, हाइपोटेनियस कभी भी चेंज नहीं होता। तो परपेंडिकुलर हो गया हमारा ये 5 सेंटीमीटर, ये तो बेस हो गया, ये हो गया परपेंडिकुलर 5 सेंटीमीटर, और बेस हो गया हमारा 12 सेंटीमीटर। अब फाइंड कर लेंगे अपन कोट आर। कोट कोट का फॉर्मूला होता है बेस बाय परपेंडिकुलर। अब हमने यहाँ पे आर लिया है तो आर के हिसाब से ये वाला हो जाएगा हमारा बेस और ये वाला हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर, और हाइपोटेनस ये का ये रहेगा। तो बेस हो गया हमारा 5 और परपेंडिकुलर हो गया हमारा 12। ये 10p और कोट आर की वैल्यू निकल गई है। अब हम 10p को कोट आर से माइनस करेंगे, 10p माइनस कोट आर। 10p की वैल्यू है 5/12 माइनस कोट आर की वैल्यू है 5/12। हम यहाँ पे एलसीएम लेंगे, 12 इधर आ जाएगा 5, 12 को 12 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, तो यहाँ पे अपन 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसमें भी 12 को 12 से डिवाइड करेंगे तो इधर 1 ही आएगा, तो 1 से कर लेते हैं। उधर आ गया था हमारा 5 × 1 प्लस माइनस, सॉरी माइनस 5 × 1 अपॉन में 12, तो इधर आ जाएगा 5 − 5/12। 5 − 5 हो गया हमारा 0 और इधर आ गया 12, ये हो जाएगा हमारा 0। तो ये हमारा क्वेश्चन का आंसर।